सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हाँ दीपक भंडारी जी, तुम देख रहे हो डी फोर न्यूज़। अज असी गलबात करांगे अमृतसर दे विच होई एक नवेकली शुरुआत दी। पंजाब सरकार ते पंजाब पुलिस वालों मिल के एक नवा उपराला किया गया, नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। एको वार 40,000 विद्यार्थियों ने सहुं खाधी है ते अरदास भी की है। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने आख्या कि सरकार का बड़ा चंगा उपराला है, पर अरदास एक सौं एक एक्शन उन्हां सारे पुलिस अफसरां ते उन्हां सारे राजनेतावां ते भी होना चाहिए जिहड़े लोग नशे नूं ते दड़ा सट्टा कारोबार नूं समर्थन देंदे ने। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने इस प्रोग्राम नूं सियासी ड्रामा दस्सिया है। गलबात करांगे कि किस तरह नशे के खिलाफ पंजाब सरकार सख्त होई है ते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान अज अमृतसर आए सन। उन्होंने एक होप इनीशिएटिव की शुरुआत की है। श्री हरिमंदर साहब जाके अरदास की, सौं खाधी ते अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस के नाम तीन रिकॉर्ड भी बन गए हैं। इस सौं दे विच 40,000 तो वध बच्चों ने हिस्सा लिया, जिस करके एशिया बुक दे विच भी रिकॉर्ड बना दिता गया। इन्हां बच्चों ने गोल्डन टैंपल दे विच जाके अरदास की ते इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ते नशे के खिलाफ सौं लैण वास्ते भी गोल्डन बुक जिहड़ा रिकॉर्ड बनाता गया। यह रिकॉर्ड हुण अमृतसर के नाँ ते हो गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहला तो श्री हरिमंदर साहब च मत्था टेकिया, उन्होंने द होप अरदास सौं ते खिले जिहड़ी खेडां की शुरुआत की है। उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब ते जाके नशे के खात्मे की अरदास की, आख्या कि जे नौजवान खेडां च हिस्सा लैणगे तो उन्होंने उम्मीद है कि पंजाब तो नशे के कोल नूं मुका दिता जाएगा। तो दस दिए कि पंजाब दे विच नशे नूं लैके पहला भी सियासत होंदी रही, दो सरकारां बदल गईयां, पर पंजाब दे विचों नशा खत्म नहीं होया। और पंजाब पुलिस ने नवा उपराला किया है कि बच्चों नूं खेडां दे नाल जोड़िया जाए। इस करके ही क्रिकेट मैचों की शुरुआत की गई है, जिन्हों गली क्रिकेट का नाँ दिता गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज आख्या कि असी सारे रंगले पंजाब वल वध रहे हैं, नौजवान खेडां च वध रहे ने। इस करके हुण पंजाब दे विच पहली बार एशियाई खेडां च 19 मैडल पंजाब दे आए ने। हुण साडा भी फर्ज बनता है कि जिहड़े नौजवानों ने मैडल जिते ने पंजाब दा नाम पूरे विश्व दे विच रोशन किया, उन्हां नूं नौकरी भी देईए। इस तो बाद गांधी ग्राउंड दे विच मैच की भी शुरुआत हुई। नतमस्तक होण ते इक्को अरदास करन तां परमात्मा जरूर सुणदा है। सो ये जिहड़ी मुहिम है कल्ला पुलिस नाल जां सरकार नाल संबंधित नहीं, इहदे वास्ते सानूं पिंड पिंड च समाज सेवियां दीआं कमेटियां बणाउणियां पैणगियां, क्योंकि जदों लोग साथ देण लग जाण कोई भी ऐसी अलामत नहीं जिहड़ी तों छुटकारा ना पाया जा सके। लोग साथ देण नूं बिल्कुल तैयार ने। थोड़ा चिर पहलां लोग थोड़े जे झिझकदे सीगे, दसदे नहीं सीगे कि साडा मुंडा जिहड़ा है ओह किते नशियां च पै गया, क्योंकि उहनां नूं इह लगदा सी की कहणगे लोग, की कहणगे। पर जे आपां बीमारी दसांगे नहीं तां डाक्टर इलाज की करूगा। हुण मापे भी अग्गे आउण लग गए, कोई गल नहीं, बुरी संगत का शिकार हो गए, कोई गल नहीं, होता हुंदा, कोई दिन माड़ा हुंदा, पर परमात्मा सहारी तां सारा कुछ ठीक जांदा। सो दुख वेले सिमरन, सुख वेले शुकराना, ये जिहड़ा साडा मिशन है ये इसे आधार पर है। जे कोई घर दुख दे विच है तां सारा असी मिल के उस घर नूं ठीक करांगे। असी उस घर के बच्चे नूं असी कोई जेल च नहीं भेजना, असी उन्हूं कोई समगलर नहीं कहना। जे वह कितें एडिक्टड हो गया तां फिर उन्हूं मैडिकली उन्हूं सहायता दे के काउंसलिंग करके उन्हूं जिहड़ा समाज के वापस भी लिया जाऊगा, खेडां च भी लैके जावांगे। बहुत सारे बच्चे मेरे को इदां दे हर रोज़ आउंदे भी ने जिहड़े कहिंदे सी असीं वापस निकल आए। सो ये दल दल ऐसी नहीं हैगी कि निकलिया नहीं जा सकता, वापस निकल आए बच्चे ते आके अज काम भी कर रहे हैं। कोई कितने NGO चला रहा है, कोई कितने जाके, क्योंकि जो वो आके दसते ने नशे चो निकल के आके जो वो नौजवानों को समझाते हैं उदो ज़्यादा समझ आती है कि मैं भी सी इदा तो मैं वापस आ गया, तो तुम इन्हें काम ना करो, नहीं तो जिहड़ा कोई नतीजे वधिया नहीं आते। सो अज मैं तुहाडा भी बहुत धन्यवाद करदा सारे मीडिया का कि बड़े डिसिपलिन दे विच रह के, क्योंकि बहुत वड्डी गिणती च
आए हुए हैं इतने लोग शरदा ली ते आज डिसिप्लिन दे रह के तुसी इस सारे आज दे इस अरदास दे समागम नू तुसी पूरी दुनिया च दिखा रहे हो लाइव चल रहे होना बहुत थामे सो मैं यही अरदास करदा कि परमात्मा सानू समत बख्श दे जो जिम्मेदारी सानू दित्ती है उस जिम्मेदारी नू निभाउण दा सानू बल बख्शे कहिंदे आ जिहड़ा चुंज दिंदा है जिहड़ा जिम्मेवारी दिंदा है परमात्मा ने जिम्मेवारी दी तो फिर निभाउण दा बल भी दिंदा है समत भी दिंदा है ते असी पंजाब नू दुबारे पंजाब बनाउणा रंगला पंजाब बनाउणा ये मिशन है साडा ते मैं कमिश्नर पुलिस नौनिहाल सिंह जी नू डीजीपी साहब नू उन्हां दी सारी टीम नू मैं इस गल लई मुबारकबाद दिंदा कि उन्होंने एक बहुत वड्डी मुहिम शुरू की है अज 40 ग्राउंडां दे विच क्रिकेट दे मैच खेडे जाणगे ताकि नौजवानों का जिहड़ा जिहड़ा रुचि है दिलचस्पी है वह खेडां वल भी होवे ते वह आ अलामतां तो बचिए सी कि होया जे पतझड़ आई तू अगली रुत्त विच यकीन रखी मैं लभ के लियाउणा कितों कलमा तू फुल्लां जोगी जमीन रखी सो कलमे असी लभ लांगे फुल्लां जोगी जमीन साडे कोल हैगी है हजे हजे दुल्ले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया इन्हां बेरां नूं असी झाड़ के दोबारा पंजाब दी झोली च पावांगे यही अज अरदास कीती है मैं तुहाडा सारे मीडिया अज कोई सवाल नहीं मैं लऊंगा अज कोई मैं राजनीतिक गल्लां नहीं करूँगा उहदे वास्ते आपां किते होर मंच ला लांगे ये दरबार जिहड़ा ये जिहड़ी मुकद्दस पवित्र जगह जिहड़ी है ये राजनीति करन लई नहीं हैगी इत्थे तां आपां मंगण आउंदे आ इत्थे तां असीं वी अज मंगण आए हाँ ठीक है ना सो ये राजनीति वास्ते कदे फिर किते तुहाडे नाल विचार सांझे कर लांगे ते पर अज सिर्फ तुसीं वी यही अरदास करिओ कि तुहाडे कैमरिआं विच जिहड़ियां टीका लग्या लगाया रह गया नौजवान की मौत हो गई इहो जिहियां खबरां तुहाडे कैमरिआं राहीं वह मिलनियां ही बंद हो जाण वह दिखाउणियां ही बंद हो जाण इहो जिहा पंजाब असीं बना लईए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी इस दौरान पहुंचे सन सांसद गुरजीत सिंह औजला उन्होंने कहना है कि साडा पहला कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियां नूं इस कोर तो बचाया जाए बाकी राजनीति बाद दे विच हुंदी रहेगी मान साहब एक अरदास एक सौं एक एक्शन सारे उन्हां पुलिस अफसरां ते भी होना चाहिए ते उन्हां राजनीतिक पोलीटिकल लोकां ते भी होना चाहिए जिहड़े नशे नूं समर्थन देंदे ने उन्हां दा कहना है पवित्र नगरी तो शपथ ली जाए कि गुरु की दी नगरी नूं नशे तो मुक्त किया जाएगा पंजाब नूं बचाउणा ते आने वाली पीढ़ियां नूं बचाउणा साडा पहला फर्ज है बच्चे ते खेडन लग पैणगे पर जिहड़ी पुलिस जिहड़े पोलीटिकल बंदे नशे नूं जां फिर दड़ा सट्टा कारोबारियां नूं नहीं रोकदे उन्हां नूं समर्थन दिंदे ने ते जे इन्हां नूं ना रोकिया गया ते पंजाब बर्बाद हो जाएगा हुण सब तो वड्डा सवाल है कि एक एम पी अमृतसर का सांसद चीख चीख के कह रहा है कि दड़ा सट्टा कारोबार नूं कुछ पुलिस वाले ते कुछ राजनेता संरक्षण देंदे ने ते फिर आखिरकार मान साहब उन्हां कोलों इह सारी जानकारी क्यों नहीं लै लैंदे चंगी गल है मैं तो जो दिन चढ़िया उदो सवेर है और चंगी गल है चंगी नूं चंगा कहना चाहिए है पर यह दोवें पक्षों से काम करना पेगा जिहड़ा चंगा काम करनगे असीं उहनूं सराहांगे यार सरकार कांग्रेस की सी नहीं काम किया चले गए हम जो कर रहे हैं सपोर्ट करांगे मैं सपोर्ट देना इस काम लिए सरकार अगे बढ़ के कदम करे जिहड़े जिहड़े करप्ट सिस्टम के लिप्त ने अमृतसर के भी अज अमृतसर तो पहल कदमी करो उन्हें बंद सौं दवाओ और उन्होंने सख्त एक्शन कह मान साहब एक अरदास और एक सौं एक एक्शन वो सारे पुलिस अफसर से भी हो और वो सारे पोलीटिकल बंद से भी हो जे इस लिप्त बहुत अच्छा स्टेप लिया गया कि नशे के विरुद्ध जी बच्चों नौजवान बच्चों जी अच प्रे भी करनी है कल सौ भी चकनी है और फिर उसके बाद खेलना है कि जी आने वाली पीढ़ी है नशे तो बच सके और मेरी हमेशा ही थोड़ी ख्याल हो सके हमेशा लाजवत की और असं चाहते कि ये रल के काम किया जाए ताकि जी साब न बचा पहला अहम मुद्दा है और आने वाली पीढ़ी में बचा अहम मुद्दा है सो मैं अज इतने पहुंचे हैं और इस सामने क्योंकि साढ़ा भी सहयोग है इस
जिहड़ा ये विकास करन जा रहे हैं और पूर्ण तौर पर असीं पिछला चुनाव संपन्न कीता है हर तरीके दे नाल। और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि जिते इन्हां दे उत्ते आपां अरदास करनी है अज और कल सहु चुकनी है और परसों प्ले करना है, उहदे नाल मैं ये भी अज मान साहब नूं ट्वीट करके कहिंदा मान साहब एक अरदास और एक सहु एक एक्शन वो सारे पुलिस अफसरां ते भी होवे और वो सारे पोलीटिकल बंदा ते भी होवे जिहड़े इस दे नाल लिपते क्योंकि अज पवित्र नगरी है अज ये भी सहु इतनी गा के देंगे कि सब तो पहले गुरु नगरी को इस लामा तो छुटकारा दवाए क्योंकि बच्चों को तो आप खिला देंगे पर फिर जे वो जोड़े लोग ने जोड़ा तंत्र है जो आले दुआले उ कुछ करता रहा तो फिर यह कोई मतलब फिर बच्चे उस पा सकते ये अच्छा उपराला है यदि अभी सपोर्ट करते हैं ये नाल दी नाल मान साहब मान साहब जोड़ा अमृतसर के चार सफेरे कहना सरकार जिस तरीके के नाल नशा फैलिया पाया उत्ते एक्शन की भी अज आप अरदास करनी है भी आप सहु चुकी और उत्ते भी एक्शन करिए मेरी अज सर लगता नहीं कि यह उपराला बहुत चेर पहले हो जाना चाहिए ही थोड़ी भी सरकार रही है उदो उपराला क्यों नहीं किया गया जो आया उदो चंगी गल है मैं तो जो दिन चढ़िया उदो सवेर है और चंगी गल है कि इन्हें चंगा कहना चाहिए पर यह दोवें पक्षों से काम करना पड़ेगा जिहड़ा चंगा काम करेंगे असं सुनावे पर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अमृतसर में पवित्र नगरी इन पायलट प्रोजेक्ट तौर पर लिया जाए असं पूर्ण सहयोग करेंगे जिन्ना इतने मतलब कारोबार जोड़ा कि साढ़े नौजवान पीढ़ी खा रहा है अब साढ़े जा के अमृतसर के जो गरीब बस्तियों ने जाके हालत को थान थान के उ हालात होने पे पिंड हालात आप उस तंत्र में जोड़े सपोर्ट कर रहे लोग ने क्योंकि एक आम बंदा नहीं चला सकता आपने कार्रवाई कर असी तो लिया पाया अभी तो हमेशा इन्हें कि हमेशा सारे रल के देखो पंजाब में साडा पहला कर्तव्य है साड़िया आने वाली पीढ़ियों को बचाना बाकी राजनीतियां बाद की गल मैं तुम्हें कहता मैं अब ट्वीट का मेरा अब जो मुख्य सी वह कि आप अरदास भी करिए उस तंत्र के विरुद्ध भी करिए जिहड़ा तंत्र इहनू चलवा रहा ये बहुत बुरी तरह पुलिस लिप्त है ये बहुत बुरी तरह पोलीटिकल बंदी लिप्त है अज क्योंकि अज देखो अज तो ओपोजिशन नहीं करा रही पर कौन ने चाहे ओपोजिशन होवे कोई होवे मेरी एक ही डिमांड है अमृतसर पवित्र नगरी है हरिमंदर साहब सारी दुनिया देखती है मेरी एक ही डिमांड है कि हरिमंदर साहब अज नतमस्तक होना असी मैं सपोर्ट देना इस काम लिए सरकार अगे वध के कदम करे जिहड़े जिहड़े करप्ट सिस्टम के लिप्त ने अमृतसर के अज अमृतसर तो पहल कदमी करूँ सर पूरे देश दे विच ए मैसेज आना पूरे देश दे विच आज इतने बड़े लेवल पे प्रोग्राम हो रहा है अज दी रिपोर्ट कर रही देखो क्यों पड़ी आप भी इसके लिए किसको जिम्मेदार देखो आपां नूं ए इनिशिएटिव लेने पाई सिविल सेवा सोसाइटी ने और जिहड़े इत्थे कमिश्नर पुलिस है उन्होंने रल के कीता है मैं देखो इहदी जिहड़ा चंगा काम करनगे उहदी सराहना करांगे पर इहदे नाल दी नाल जिन्ना चिर उहनां नूं नत्थ नहीं पावांगे ये कार्य कई बार लंबा समा नहीं उहदा रिजल्ट आ पाता क्योंकि ये साडा फ्यूचर है साडा देश दा फ्यूचर अज इत्थे 35-40 हज़ार बच्चा इकट्ठा होया वो साडा फ्यूचर है आने वाला पंजाब दा अमृतसर दा सर पंजाब देश दे विच की मैसेज आएगा भी लगता है कि देश नूं मैसेज पहुंचेगा कि नशा हैगा वो पंजाब दे विच फिर देखो नशा तो एक लुकी-छुपी चीज़ है नशा तो है ही आ उहदे मैं किवें कह सकदा नहीं हैगा पिंडां-पिंडां चले जाओ जिथे मर्जी चले जाओ मोड़ां दे पिया थाणिआं दे नाल चलदा पिया सारा कम इह तो बहुता कोई इहनां नूं तुसीं गल छड्ड दिओ आपां देखो मैं जां सरकार कांग्रेस दी सी नहीं कम कीता सी चले गए हुण जिहड़ा कर रहा सी सपोर्ट करांगे चंगा काम करोगे करांगे सपोर्ट पर अज मैं मेरी एक ही रिक्वेस्ट है अमृतसर पवित्र नगरी है जे सरकार दा सजीदा इहदा कदम है मैं यदि वेलकम करूँगा अमृतसर पवित्र नगरी भी अब सौंग आ गए चलिए सारे इतों भ्रिष्ट तंत्र के जो पुलिस लिप्त है जोड़े कुछ पोलीटिकल बंदे लिप्त ने उन्होंने बढ़ के अंदर दो इलाका पिछले कोई श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी आख्या कि अज सूबे दे विचों नशा खत्म करन दे विच फेल होने तो मगरों मुख्यमंत्री भगवंत मान श्री हरिमंदर साहब दे विच ड्रामा करके सरकारी खर्चे ते अरदास दी इश्तहारबाजी कर रहे हैं। उन्हां दा कहना है कि मुख्यमंत्री ने उदों पंजाबियों का विश्वास गवा लिया सी जदों उन्हां अपनी माँ की सहु चुकी सी वो शराब नहीं पीणगे पर उन्हां शराब पीनी नहीं छड्डी उन्हां ये भी आख्या वह श्री हरिमंदर साहब विखे इस तरीके पब्लिसिटी शो करके अपने किते पाप नहीं धो सकते अजिहा करन दे बजाए श्री भगवंत मान साहब नूं आप शराब छड्ड के बच्चों लई एक उदाहरण पेश करनी चाहिए क्योंकि पहला भी जर्मनी दे विच शराब विच रजे होण करके जहाज विचों उतारे जाण दे नाल देश दे पंजाबियों दे अक्स नूं टाओ ला चुके ने। उन्हां ये भी आख्या कि
कार्रवाई की लोड़ है, सख्त उत्थे कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब दे विच नशा इस करके ज़्यादा वध गया क्योंकि आम आदमी विधायक ड्रग माफिया तो मीने लैन लग पे ने। फील्ड विचाले पुलिस अफसरों विशेष हिदायतां ने कि वह नशा कारोबार दे विच लगे सरगना उर्फ के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करन। उन्होंने आरोप लगाए ने कि हुण नशे की होम डिलीवरी होन लग पई है। अपने आप नूं दिखाऊगा बड़ा मानदार पर है सब तो वड्डा ठग। ना दे दिता आम आदमी पार्टी करतूतां ओह है जिहड़ी आम आदमी तो बिलकुल दूर है। इन्हां दी आदतां राजे महाराजां तों वी वध शौक इन्हां दे है। जिहड़ा मुख्यमंत्री अपनी कोठी ते 70 करोड़ रुपये लाउंदा है ते वड्डी माड़ी गल है। तुसीं देखो मुख्यमंत्री ने नवा ड्रामा किया जी, मैं दरबार साहब जाके उ पाठ करूंगा ते अरदास करूंगा कि नशा खत्म होए। मैं मुख्यमंत्री पूछना चाहना है तुसी अपनी मां की सहु खाधी सी स्टेज ते सारे सामने सिर ते हाथ रख के कि मैं नशा पीना बंद करूंगा ते वह बंद नहीं किया। मुख्यमंत्री जी तुसी केजरीवाल कहे सी असी एक दिन च असी नशा खत्म कर देंगे, अज घर घर नशा बिक रहा पंजाब च। एंड कारण की है मैं उत्थों दे पुलिस अफसर आ जिहड़े मेरे टाइम ते सीगे उन्होंने पुछया, वह कहिंदे जी कारण की है कि इन्हां दे जिहड़े एमएलए आम आदमी पार्टी दे इन्हां ने महीना बन लिया नशा बेचना, कोई 5 लाख ले रहा कोई 10 लाख ले रहा। तो एस एस पी नूं कहा कि थानेदार नूं कहा कि इन्हां बंदिआं नूं हथ नहीं लाउणा। अज नशा होम डिलीवरी अवेलेबल है आम आदमी पार्टी करके। सो मैं भगवंत मान नूं बेनती करना है कि आप ड्रामे करने बंद करो कि मैं दरबार साहब जाके मत्था टेकूंगा, पाठ अरदास करूंगा, मैं एस वाइल दे पानी वास्ते अरदास करूंगा। ते उन्हूं पुछो जे पंजाब दा मैंबर पार्लीमेंट बनाया जिहड़ा पंजाब तो मैंबर पार्लीमेंट बनाया आम आदमी पार्टी दा, वह कहिंदा कि पंजाब दा पानी हरियाणे नूं देना चाहिए है, उहदे बारे की कहणगे कि उहनूं पार्टी च कढणगे? कहिंदे कुछ है करदे कुछ है, आई इन्हां दा पुराना रसूल रहा ताईं उहनां दी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। हुण सब तो वड्डा सवाल यह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां दे लीडर ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ते पंजाब दे गवर्नर डीजीपी पंजाब ते चीफ सैकटरी ये सारे ही चाहते हैं कि पंजाब दे विचों नशे दे कोड़ नूं खत्म कर दिता जाए, पर नशा के खत्म होने का ना ही नहीं लै रहा। सवाल सब तो वड्डा फिर यही आ जाता कि नशे दे सौदागर इन्ने ताकतवर ने कि वह सरकारां तों पुलिस तों ते पूरे प्रशासन नालों तगड़े हो गए। गवर्नर साहब तो जदों सरहदी पिंडां दा दौरा करते हैं ये कहिंदे ने बाद च प्रेस दे विच आके कि नशा पहले कालजां च विकदा सी पर हुण स्कूल दे बच्चों नूं वी इह नशा मिलन लग पिया। ये भी कहिंदे ने कि नशा जिवें कि करियाने दी दुकानां ते टूथ पेस्ट विकदा उदां ही नशा लोकां नूं मिल रहा है। लोग आप नशे दे खिलाफ एकजुट होण लग गए। औरतां जिहड़ियां उन्होंने भी कमेटियां बना लईआं ते कई पिंड ऐसे ने जिथे कमेटियां बन गईआं। वो कौन लोग ने जिहड़े नशे दे सौदागरां नूं शैल्टर करदे ने? आखिरकार ये भी सब तो वड्डा सवाल है। नशे दे सौदागर उही रहे, कई सरकारां बदल गईआं, अकाली कांग्रेस ते फिर हुण आम आदमी पार्टी। पहले तो यह आरोप भी लगते सन कि कुछ अकाली जिहड़े लीडर ने वो नशे दे सौदागरां नूं संरक्षण देंदे ने ते बाद चों नां लगन लग पिया कांग्रसियां दा। तो की हुण आम आदमी पार्टी च कुछ ऐसे लीडर ने जिहड़े कि नशे दे कारोबारियों नूं संरक्षण देंदे ने? जिवें कि राजपाल साहब ने सरहदी पिंडां दे दौरे दे दौरान एक गल आखी सी कि लोग उन्हां नूं शिकायत करदे ने कि कई MLA नशा तस्करां दीआं सिफारशां करदे ने। हुण पहलां अफीम की खेती हुंदी सी, बाद चों पंजाब दे विच चिट्टा आ गया, जवानी बर्बाद हो गई, लोग अपने बच्चों नूं इत्थों विदेशों च भेजण लग पए। कितनियां रिपोर्टां आ चुकियां, पिछे एक लोक सभा दे विच रिपोर्ट पेश हुई सी कि पंजाब दे 60-65 जिहड़े है लोग ने पंजाब दे 60-65 लख लोग जिहड़े कि वह नशा लेंदे ने। पहले तो मुंडे लेंदे सन नशा, हुण कुड़ियां भी साडियां बच्चियां भी नशा करन लग पईआं ने। उड़ता पंजाब फिल्म तक बन गई पंजाब दे उत्ते। पुलिस ते आरोप लगे कि पैसों वास्ते इन्हां ने की कई नहीं किया। इंदरजीत जिहड़ा इंस्पैक्टर रहा लोकल रैंक उहदा हवालदार दा सी ते उहदा जिहड़ा सरप्रस्त सीगा AIG राजजीत सिंह, ये मिल के की नहीं करते रहे सब दे सामने है। हुण लोगों नूं आम आदमी पार्टी कोलों बहुत उम्मीदां सन, इस करके 92 सीटां इन्हां नूं जिता दित्तियां। दूजा पहलू यह भी है, हुण ही कुछ दिन पहला ही हाई कोर्ट मानयोग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने
फटकार लाई सी, तलब किया सी पंजाब दे डीजीपी नू, ते आख्या सी कि पुलिस वाले नशे दे जिहड़े केस हुंदे ने उन्हां नू लैके गवाहियां ही देन नहीं आउंदे, जिहड़ियां रिपोर्टां ही पेश नहीं करदे, इहनू लैके डीजीपी साहब नू माफ़ी भी मंगनी पई सी। गुरजीत सिंह औजला जो कह रहे ने बिल्कुल ठीक कह रहे ने कि जे पुलिस दा ते राजनीतिक बंदियां दा इन्हां नशा कारोबारियां नू या फिर दड़ा सट्टा कारोबारियों नू संरक्षण ना होवे ते कोई भी अपराध नहीं हो सकता, इस करके पंजाब पुलिस नू ते खास करके पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान नू इन्हां कालियां भेड़ां दी पछाण करके इन्हां नू महकमे चों बाहर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नौजवान बहुत सारे ईमानदार अफसर जिहड़े ने पंजाब पुलिस दे विच मौजूद ने। पंजाब पुलिस एक जांबाज पुलिस फोर्स मनी जाती है, तो नशे दे तस्कर आखिरकार क्यों पंजाब पुलिस तो बलवान हो गए, ये भी सब तो वड्डा सवाल है। किहड़े लोग ने जिहड़े पंजाब नू बर्बाद करना चाह रहे ने, हुण पुलिस वाले पैसे लैके नशा तस्करां दी फेवर करते हैं, इन्हां दे उत्ते भी सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ सौं खवाण दे नाल या फिर क्रिकेट मैच खिलाण दे नाल ही नशा नहीं मुकेगा, जब तक पंजाब सरकार सख्ती नहीं करेगी उदों तक जिन्ना चिर कालियां भेड़ां इन्हां नू बाहर नहीं किया जाऊगा, क्योंकि लोगों को पता होंदा है, पिंड वालों को पता होंदा है, माननीय गवर्नर साहब नू ते लोकी सूचनावां दे दिंदे ने कि कौन कौन लोग नशा वेचते हैं, पर पुलिस कोल जाण लग्या लोग डरते ने, जां ते जदों इह पुलिस कोल जांदे ने ते नशा तस्करां नू सूचना पुलिस दे विच बैठियां ही कोई कालियां भेड़ां दे दिंदी है, ते जां फिर पुलिस दा जिहड़ा अक्स ही इहो जिहा बन चुका है, लोग उन्हां कोल जाणा नहीं चाहुंदे। ठीक है, जो भी अज उपराला किया गया बहुत वधिया, असी उहदी शलाघा करते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान उचेचे तौर पर आए सन इत्थे, अमृतसर पुलिस कमिश्नर ने जिहड़े नौनिहाल सिंह कई दिनों दे वित्तों लगे ने कि यह प्रोग्राम सफल होवे, उन्हां दा यह भी कहना कि 40,000 जे बच्चा नाल जुड़िया तो नशे के खिलाफ 40,000 घरां च गलबात तो होएगी, बिल्कुल ठीक उपराला है। पर जिहड़े लोग जिहड़े पुलिस अफसर नशा कारोबारियों नू संरक्षण देंदे ने या फिर दड़ा सट्टा कारोबारियों नू संरक्षण देंदे ने, उन्हां नू महकमे चों बाहर करना चाहिए, मुड़ किस तरह ही उहो ही बंदे वापस उही थाने च लगते हैं, यह भी सब तो वड्डा सवाल है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने खरड़ तो लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड गैंग दे कारकुन नू गिरफ्तार करके सूबे दे विच सनसनीखेज अपराधां नू टालन दे विच वड्डी सफलता दर्ज की है। ये जानकारी देंदिया पंजाब दे डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP गौरव यादव ने बुधवार को दसिया कि काबू किए गए मुलजम की पछाण हसार दे मांगली वासी सचिन उर्फ बच्ची वजो हुई है। पुलिस टीम ने उसके कब्जे तो 4 पिस्तौलों ते 12 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। उन्होंने आख्या कि ठोस सूचना के आधार के उत्ते DGP प्रबोध बान की समुची निगरानी के हेठ AGTF दियां पुलिस टीमों ने लांडरा दे विच चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज के गेट के नेड़ों सचिन बच्ची नूं गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजम गिरोह के मैंबरां नूं लॉजिस्टिक सहायता ते उन्हां नूं लुकण वास्ते थावां मुहैया करवाउंदा सी। मुढ़ली जांच दे विच सामने आया कि इस मुलजम ते गिरोह के होर मैंबर अपने विशेष हैंडलां दे इशारे दे उत्ते सनसनीखेज अपराध नूं अंजाम देने लई साजिश रच रहे सन।